वेलकम टू वायरल बॉलीवुड, दिस इज योर होस्ट शिवम शर्मा। दोस्तों आज हमारे साथ में दो बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनका एक बहुत ही खास गाना आया है, जिस गाने का नाम है जोकर। मैं बता रहा था कि इस गाने के दो लीड एक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, द ब्यूटीफुल सबा खान एंड द डैशिंग गिरीश काकत। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे। आई एम आप कैसे हैं? आई एम ग्रेट और आई एम वेरी थैंकफुल टू टीम वायरल बॉलीवुड to you know come and spend time with us on huge success of Joker। जैसे कि आपने कहा यूथ सक्सेस, 5 दिन में गाने को 1 मिलियन से ज्यादा, ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज होने आए हैं, लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, इतना प्यार जब गाने को मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो आप दोनों? सीरियसली बहुत ज्यादा, सबसे पहले जो फीलिंग आ रही है वो है ग्रेटफुल। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये इतना प्यारा सॉन्ग जो है जोगन वो आया है, एंड एवरीबडी इज लाइकिंग इट एंड पीपल आर कॉलिंग मी जोगन। हाँ, सो दैट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट आई एम गेटिंग, कि कोई मुझे सबा के नाम से नहीं बुला रहा है, सब बोल रहे जोगन, हाय जोगन, हाउ आर यू डूइंग। सो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, सो आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह से इसका आउटकम, इसका रिजल्ट आया है। सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पीपल आर कंपेयरिंग इट टू संजय लीला भंसाली सर्स मूवी एंड सॉन्ग, सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू से कि यू नो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे साथ में बैठी हैं जोगन, और ऑफ कोर्स मैं इस एल्बम का हीरो नहीं, मैं इस एल्बम का एक विलन, और सी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज हमारे हीरो बिजी हैं शूटिंग में, सो आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट नेक्स्ट टू द जोगन। एंड जैसे कि जोगन हरसेल्फ इज सेइंग कि यू नो पीपल आर कॉलिंग हर with the name Jogan, that is what I also realized, you know, कि जब से मैं आया हूँ लॉकअप से बाहर, तो जब से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी देख रहा हूँ मैं in the tweets or Insta or it be hey Jogan, hi Jogan, you know, so people are calling her with the name Jogan, and I'm you know blessed sharing this space with her. I'm grateful to all you guys, you know, who are covering this moment, you know, which is very precious, you know, ये moment हम as an actor हमेशा चाहते हैं कि हमारे life में आते रहे, लेकिन ये हर बार हमारे हिसाब से होता नहीं, और कभी कभार ऐसी कोई चीज अच्छी चीज आ जाती है कि आप लोगों को आना पड़ता है चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारा bite लेने के लिए। So I'm again thankful to Jogan, team Jogan and everybody who was involved in the making of Jogan। जैसे कि आपने कहा आप इस गाने के hero नहीं है, villain है, but to be honest villain पावरफुल ना हो तो हीरो अच्छा लगता नहीं है, तो इट्स ऑल कॉम्प्लीमेंट टू यू। मुझे आपसे जानना है कि गाने पे बहुत सारे कमेंट आए, तो आप लोग कमेंट चेक करते हो दोनों से गाने पे, क्या सबसे बेहतरीन कमेंट क्या लगा आपको गाने के नीचे? सबसे बेहतरीन तो मैंने बताया, सब मुझे जोगन बुला रहे हैं। सेकेंडली एवरीबडी इज लाइक कि मेरी और निशान की जो केमिस्ट्री है वो लोगों को पसंद आ रही है, डायरेक्शन पसंद आ रहा है, और इनको सच में लोग हेट भी कर रहे हैं, तो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम कि हाँ, कि मतलब एज एन एक्टर पीपल आर हिटिंग हिम, तो मतलब इनका काम जो है वो ऑलरेडी हिट हो गया है। सो बहुत ही अच्छे अच्छे हैशटैग्स भी बन रहे हैं जोगन के लिए, मेरी निशान के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि सबको पसंद आ रहा है, एंड विनीत का काम भी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया। विनीत बोल रहे कि निशांत नहीं है इसके वजह से इनको, दैट्स रियली 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 मोटिवेट, ऐसा नहीं है। विनीत इज इक्वल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, बिकॉज अगर जैसा कि विनीत नहीं होंगे तो हीरो को और हीरोइन को कोई पसंद भी नहीं करेगा। आपको सबसे बेस्ट कमेंट क्या लगा अगर आप पढ़ रहे हो तो? अगर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ तो मुझे मेरे ऑल आई सी इज यू नो अबाउट निशांत एंड सबाज केमिस्ट्री। कभी कभार मुझे मेरे लिए कमेंट दिख जाता है, लेकिन लेट अस गेट रियल, यू नो ये एक लव स्टोरी, ये एक म्यूजिकल लव की जर्नी, सो I'm more than happy when I see, you know, comments on the lovers, the magical pair. So, जो हमारे जोगन का असली essence है, वो है प्यार, you know, कि it is revolving around Jogan and her love. So, every time I see any compliment, for the matter of fact, if it's for both Saba and Nishant, or only categorically on Nishant और सभा, सो आई एम हैप्पी, यू नो फॉर मी वहां पर हमारी जीत हासिल हो जाती है। आई एम नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू विनीत के लिए या विलियम के लिए कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज नो दैट इज सेकेंडरी। अगर
जब, क्योंकि क्या आएगा विलन के लिए, ए कोई विलन को जल्दी अच्छा बोलता नहीं, सो ए ऐसा है वैसा है खड़ूस ये वो जो भी एक्स वाई से, लेकिन गेस्ट जो हमारे एल्बम का नाम जोगन है, राक्षस या रावण या गुड्डा नहीं है, तो अगर वैसा कुछ होता तो मैं देखता हूँ नो गुड्डे के लिए कुछ आ रहा है कि नहीं राक्षस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिसके लिए एल्बम बना है, जिसको नजर में जहन में रख के एल्बम बनाया गया है, जब उनकी तारीफ होती है तो यू नो द जॉब इज डन। वेरी प्रैक्टिकल। मुझे आपको जाना कि आप दोनों ने रियलिटी शो किया, यू आर अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, आपने भी लॉकअप किया है। मुझे जनरली जानना है कि इज इट ट्रू कि मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं एक बार आप रियलिटी शो करके जब बाहर निकलते हैं तो। एक्चुअली इन माई केस आई कैन से दैट बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, सो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज बिग बॉस। बिग बॉस करने के बाद मतलब नॉट फ्रॉम इंडिया, मतलब बाहर के लोग भी है, जनता है, वो आपको देख के पहचानते हैं और आपको पसंद करते हैं। मैं आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, सेम स्ट्रीट जो मैं बिग बॉस से पहले वॉक करती थी, तो मुझे कोई जानता नहीं था। उसके बाद लोग आके आपको बोलते कि हमें, हमने आपको बिग बॉस में देखा, हमने आपको बहुत पसंद किया, आपके लिए वोट किया। सो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग बिग यू नो कि बिग बिग थिंग फॉर अस, बिकॉज जस्ट नॉट अपॉर्चुनिटीज, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट वन कैन गेट फ्रॉम पीपल। सो ऑडियंस का प्यार बहुत मिलता है, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है। सो रियलिटी शो से एक फायदा ये होता है कि बहुत एक ऑडियंस है जो आपको आपके कैरेक्टर से नहीं, आपके नाम से जानती है। सो इट्स अ बिग थिंग। इनफैक्ट विनीत के लिए आई एम श्योर उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा लॉकअप का। एंड आई वाज टेलिंग हिम कि अब बिग बॉस में भी आ जाओ तुम, यू कम, यू शुड कम एंड यू नो ट्राई बिग बॉस ऑल्सो। The wild card, coming in as a wild card, you know, it's a tough journey. Okay, इस पे मैं बाद में बात करूंगा. Of course, you know, reality show gives you, जैसे सबा very correctly said, you know, कि जब आप कोई reality show करते हैं तो सबसे पहली चीज लोग आपको आपके नाम से जानना शुरू कर देते हैं, ना ही कि कैरेक्टर के नाम से. कि वो देखो, जैसे सबा ने कहा कि जो पहले जो स्ट्रीट्स पर वो चलती थी, सो अभी उसी स्ट्रीट्स पर जब वो चलती है तो लोग उनके नाम से जानते हैं. सो ऑफ कोर्स इससे बहुत फर्क पड़ता है रियलिटी शो से. अबाउट मी, इफ आई से आई स्टार्टेड माय करियर विद अ रियलिटी शो व्हिच वाज ओवर अ डिकेड बैक, यू नो, एंड इट स्टार्टेड माय करियर, टीवी करियर विद अ रियलिटी शो लाइक सबा, लेकिन मैंने 10-12 साल पहले किया. आई डिड अ ट्रूथ लव कैश, व्हिच वाज प्रोडक्शन हाउस एंड मॉली था, और प्लेटफॉर्म वाज चैनल वी. सो ऑफ कोर्स, लेकिन दैट टाइम सोशल मीडिया या डिजिटल स्पेस इतना नहीं था जितना आज है. सो ऑफ कोर्स दैट टाइम आई हैड अ ह्यूज फॉलोइंग, यू नो, लेट मी पुट एन एग्जांपल. इंडिया तो ऑफ कोर्स था ही था, इंडिया में, लेकिन यू नो, इंडिया में मेरे काफी फैंस थे, दे वर नॉट एबल टू रीच आउट टू मी. देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, यू नो, जब भी फेसबुक, जब भी इंस्टाग्राम भी नहीं था, फेसबुक था शी, यू नो, उसने लिखा था, अपना एक पेज बनाया था, आयशा विनीत कक्कर, और यू नो सडनली मे बी एलिगेशन जुड़ गए थे कि विनीत यू आर मैरिड. सो मैंने क्यों बोले, एक आयशा विनीत कक्कर करके फेसबुक पर है और ये वो, एंड दैट गर्ल शी वाज, यू नो, सो वेरी मच शी वांटेड टू गेट इन टच. इंडिया में कोई मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाया, वो लड़की पाकिस्तान से थी, वो समहाउ शी कुड मैनेज टू गेट माय कांटेक्ट नंबर. पहले तो मेरा उसने जैसे तैसे करके ऑफिस का नंबर निकाल लिया, और उसके बाद ऑफिस में रोज फोन कर रहे हो. तो इवेंचुअली माय मैनेजर शी टोल्ड मी, बोला कोई तो है बहुत आपसे बात करना चाह रही है, पाकिस्तान से है, और बोला कि रोज रोज के बारे में सुन रहे थे. इवेंचुअली आई गॉट इन टच विद हर, एंड देन आई वाज कनेक्टेड टू हर फॉर फ्यू इयर्स. मुझे लगता है अभी तक उसकी शादी हो गई होगी, अभी भी मैसेज टच में. ऑफ कोर्स रियलिटी इज अ ह्यूज एंड अ ह्यूमंगस प्लेटफॉर्म फॉर एन एक्टर, so that you know you gather more eyeballs towards you, and you know there and देख लीजिए, sorry, मैं भी आप लोगों की बात करूं. After reality show, the first reality show which I did almost a decade back, उसके बाद में लगभग मैंने 15-16 टीवी शोज किए हैं, लेकिन आज तक आप में से कोई भी मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आया. और आज अब जब मैं आया लॉकअप्स, आज मैंने कल से लेके अभी तक ये मेरा 39th और 40th इंटरव्यू रहा. वाह, सो जो आपका सवाल है उसने मैं आपका जवाब भी, कि रियलिटी शो इज सच अ बिग प्लेटफॉर्म, इसलिए शायद मैंने 5वें वीक में लॉकअप में जाने के लिए मंजूरी भी लिया है. नो व्हेन यू एंटर एनी रियलिटी शो एज अ वाइल्ड कार्ड इन 5th or 6th week, इट इज यू नो जर्नी इज क्वाइट टफ. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जोगन,
एंड आई हैव जोगन विद मी, सो वी विल कंटिन्यू विद जोगन. जोगन के बारे में बात करते हुए सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि लोग कंपेयर, जैसे कि आपने कहा कमेंट्स में लाइक संजय लीला भंसाली के सेट की तरह, यू नो अमित स्वराज का अमेजिंग जॉब, तो सेट के बारे में एंड अमित सर के बारे में प्लीज अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए. अमित के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है. आई डिड अ सॉन्ग जट यंगला, वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ था, एवरीबडी लाइक इट. तो मुझे उनका काम बहुत पसंद है था, और अभी जोगन के बाद तो मैं और ज्यादा उनके काम पे बहुत पसंद करी. मुझे बेसिकली हमें ज्यादा एक दूसरे को यू नो डायरेक्शन के टाइम पे उन्हें ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता है, मुझे मैं समझ जाती हूँ बिकॉज आई नो हिम नाउ सो वेल, और वो भी मेरे काम के तरीकों को जानते हैं, तो हमारी जो वाइब है वो बहुत अच्छे से मैच हो रही थी. एंड ही हैज डन, मतलब वो ऐसे नहीं लगते कि आप फटाफट काम खत्म करो और पैकअप करो, वो एक्चुअली उस सीन को किस तरह से एनहांस कैसे कर सकते हैं, किस तरह से एड वैल्यू और ऐड कर सकते हैं, किस तरह से सिनेमैटिक वे में और उसको अच्छा दिखा सकते हैं, तो ये एक्चुअली यू नो वो उस चीज में काफी सोचते हैं और उनका काम दिखता है, जैसे जट यमुना में दिखा था और अभी भी दिखा है. एंड रही बात दैट एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन. सेट का माहौल. हाँ सेट का माहौल तो बहुत अच्छा था. मैं निशान के साथ पहली बार शूट कर रही थी, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, मिल चुकी थी काफी बार पहले, लेकिन आप लोग के फर्स्ट लिए इजी होता है कि जब पहली बार किसी को सेट पर मिलते हो, लंबा समय नहीं मिलता बॉन्ड करने के जी लिए, तो म्यूजिक वीडियो में कम समय में बॉन्ड करना है इजी और डिफिकल्ट फॉर इट यू? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक ऐसा नहीं कि हम हर किसी के साथ बहुत इजीली मिक्सअप हो जाते करेक्ट. हैं, बॉन्डिंग अच्छी हो पाती है, लेकिन डिपेंड पर्सन टू पर्सन. तो मैं विनीत के साथ जब मैं मिली थी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, इज सच अ नाइस एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, हमारी वाइब बहुत जल्दी मैच हो गई थी. निशान के साथ लाइक दैट बिकॉज पहली बार निशान से मिली हुई करेक्ट लेकिन फिर भी काम करना एक अलग बात होता है, लेकिन निशान के साथ भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा. वो तो उनके मैं वो मेरा लव इंटरेस्ट प्ले कर रहे थे म्यूजिक एल्बम में, सो बहुत अच्छी तरह से हम लोग जेल कर गए. ही वाज गाइडिंग मी, ही वाज टेलिंग मी, एंड क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, सेम गोज फॉर विनीत ऑल्सो. विनीत का मैं बोलना चाहूंगी इज सच अ हार्ड वर्किंग एक्टर, काफी इम्प्रोवाइज कर रहे थे सीन के अंदर, लग रहा था कि भाई यू नो डर लग रहा है इनको देख के बिकॉज द एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग. तो सेट का माहौल बहुत अच्छा था. ये सॉन्ग जो शूट हुआ था वो पैलेस में शूट हुआ था, तो जो राजा रानी थे वो एक्चुअल पैलेस के वो आए थे, हमसे मिले थे, हमसे काफी इम्प्रेस हो गए थे, एंड दे वर लाइक वेरी हैप्पी विद आवर वर्क एंड द जॉब. या सो दैट वाज लाइक रियली इंटरेस्टिंग जब पैलेस में शूट कर रहे थे, उसके बाद से हमारे पास कॉल आता है कि राजा साहब रानी साहिबा आई हैं आप सभी से मिलने के लिए, एंड वाज लाइक वाओ दैट्स सो स्वीट ऑफ देम. सो यस द होल फीलिंग वाज अमेजिंग. क्या बात या है. ओके फॉर मी आई वाज द लास्ट एक्टर टू ज्वाइन द बोर्ड. मैं जोगन में 2 या 3 दिन पहले शॉर्टलिस्ट हुआ था ये एल्बम के लिए. एंड मुझसे कहा गया था कि मुश्तबा अजीज नाजा वो सन ऑफ लेजेंडरी सिंगर, लेट लेजेंडरी सिंगर अजीज नाजा साहब, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है. बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज थिक फ्रेंड्स विथ माई फादर, सो आई हैव लवली मेमरीज उनके बारे में सुन सुन के मैं बड़ा हुआ. सो जब मुझे पता चला मुश्तबा साहब ये गाना गा रहे हैं, उनकी जब मैंने ऑफिस में यहीं आके मैं उनका गाना सुना, सो आई वॉज इम्प्रेस्ड. मुझे गाना बहुत पसंद आया. देन आई वॉज टोल्ड यू नो सबा एंड निशांत आर द लीड पेयर, सो दैट वॉज आइसिंग ऑन द केक फॉर मी. बोला बॉस आई एम मुझे मौका मिल रहा है इन दिग्गजों के साथ काम करने का, एक ही पेज पर रहने का. सो मैंने आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि हाँ मेरे को करना है ये गाना. मैंने इससे पहले कभी कोई एल्बम नहीं किया है. सो आई वॉज टोल्ड कि इज एंटेगनिस्ट एंड दिस एंड दैट, तो मैंने एक्साइटमेंट में हाँ बोल दिया था. बोला हाँ हाँ मैं करूंगा, मुझे करना है. सॉरी. और नेक्स्ट डे जब मैं घर गया, फिर मैं सोचने लग गया बॉस मैंने हाँ तो बोल दिया गाने के लिए, लेकिन मेरे साथ इस गाने में जस्टिस होगा या नहीं. बिकॉज अक्सर एल्बम में जिस एल्बम का नाम ही जोगन है, इट्स अ लव स्टोरी, यू कैन मेक आउट कि एक लव स्टोरी है, एक लव सॉन्ग होगा. तो उसमें आई वॉज नॉट यू नो वेरी क्लियर अबाउट माई पार्ट इन दिस सॉन्ग. सो अगले दिन जब हम लोग सेट पर गए, सेट पर जाने से पहले ही हम लोग सुबह 4 या 5 बजे निकलना था हमें, क्योंकि वी वर हेडिंग टूवर्ड्स छोटा उदयपुर, जिसका बाय रोड कम से 6 से 7 घंटे का ड्राइव है.
सो आई मेट सबा लाइक सुबह 4-5 बजे, वो टाइम पर आ गई थी, मैं भी लकीली टाइम पर आई गया. सो आई गॉट टू नो, मेरे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आई हैड सीन हर वर्क इन द पास्ट एंड आई नो दैट शी इज अ स्टार. सो द वे शी केम एंड उन्होंने मुझे बड़े स्माइल के साथ हाई किया एंड आई वाज टच्ड, यू नो. वाह, मतलब यू नो ओके, एक स्टार तो सेट है मेरे से, बिकॉज़ इशात से मैं मिला नहीं था. सो एक स्टार तो सेट है, यू नो शी इज कंफर्टेबल विद मी एंड लकीली वी वेंट टू छोटा उदयपुर इन द सेम व्हीकल. सो आई नो आई कुड, यू नो शी वाज नाइस टू मी थ्रू आवर टाइम, एवरीथिंग वाज गुड, यू नो. अच्छा, मेरा एक एक सिविल कनेक्शन, एक वर्किंग बॉन्ड मेरे को लग रहा था इनके साथ मेरा हो गया है. एंड देन फॉलोइंग डे, जो नेक्स्ट डे आई मेट निशान, निशान आल्सो गेम, यू नो ही वाज वेरी नाइस एंड ही आल्सो मेड मी कंफर्टेबल. सो आई वाज हैप्पी, द स्टार्स आर हैप्पी विद मी, नॉट यू नो कैमरा रोल से पहले दोनों स्टार्स मेरे कॉन्फिडेंस में है कि चलो समथिंग मैं. लाइक दैट, यू नो, ही नहीं, इज एन स्टार हिमसेल्फ, इन्हें बहुत काम किया है. वो देखिए सेकंड, बट सी अभी सभा हो या निशान, तो उनको मेरा नाम गूगल करना पड़ा था. लेकिन मुझे इज दैट ट्रू? दैट इज ट्रू, नो डोंट लाई, सी आई हैव नॉट नोटिस, लाइक आई इट्स फॉर मी इतना टाइम नहीं हुआ है इस इंडस्ट्री में, तो ऑफ कोर्स जब पता चला विनीत के बारे में तो क्या क्या काम किया है तो जनरली देखता है, तो मैंने भी गूगल किया था. मैं आई वोंट लाई, ये मेरे को बोले तुम्हारा फास्ट है, रोजे में झूठ रोजे मत में बोल, झूठ बोलता रोजे में तो सब खत्म हो जाएगा. है. सो नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. तो मुझे बताया गया था महेश जो है, जो इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर है, उन्होंने इनको हम सबको कास्ट किया था, तो उन्होंने बोला था कि ही इज देयर, विनीत इज देयर, उन्होंने बहुत तारीफ की है. देन मैंने भी जाके देखा तो बहुत काम किया हुआ था. एंड देखिए क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप हर किसी को जानते, लेकिन जो सेट पे मैं इनका काम देख के मैं रियली इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि ही वाज गिविंग एफर्ट्स. वो बोल रहे थे कि हम ऐसे नहीं, इस तरह से करना है, मुझे ये रीटेक देना है, कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. उन्होंने निशांत के साथ एक सीन बहुत ही अमेजिंग इम्प्रोवाइज किया था, जिसमें निशांत को एक्चुअल में किक भी लगी थी. इन्होंने इतनी ज्यादा इंटेंस थे वो सीन के अंदर, वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थे कि एक्चुअली में वो फाइट में शायद निशांत को थोड़ा लग भी गया था. सो आई टू से कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपने काम नहीं किया है या ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लॉकअप से भी जिस रिसेंटली आया, इट्स वेरी गुड एक्टर. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिकॉज अभी देखो ये रोजे की बात है, इसलिए सच सच बोल रही हूँ. मैं सच जितना सच बुलवाना है बुलाऊंगा, तो आप लोगों के लिए भी बोल. सो व्हेन आई मेट निशांत एंड सबा, सो आई वाज वेरी हैप्पी, यू नो कि वाइब शेयर हो जाता है कि यू नो फाइन ओके. एंड देन ऑन सेट इट वाज, यू नो हमारा गाना ही जोगन की एंट्री से शुरू होता है. आई वॉज देयर, डायरेक्टर के साथ था, मैं पहले ही आके उनके पास बैठ ही गया था टू यू नो गेट मोर कम्फर्टेबल विद द टीम, यू नो कि मेरा पहला एल्बम था. आई वॉज लाइक अ नोविस फॉर दिस काइंड ऑफ अ सेट. सो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिम एंड मैंने उनको बोल भी था, देखो सर मैंने हाँ बोल दिया है इस काम के लिए, इतना करिएगा कि मुझे दिखा देना एक दो बार. मेरे में वही एक डर था कि मैं दिखूंगा तो दिखूंगा कि नहीं गाने में. सो उन्होंने डोंट वरी, वो हो जाएगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, जब तक आप डायरेक्टर को अपने काम से इम्प्रेस नहीं कर, वो डायरेक्टर आपको देखिए एक सजेशन देना या कुछ राय मशवरा देना, वो कभी अच्छा लगता है कि जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं. सो मेरा भी पहला सीन लगा गाड़ी से बाहर निकलने का एंड समहाउ ही लाइक दैट पार्ट ऑफ मी. सो उन्होंने थोड़ा मेरे को एनकरेज किया और वो मेरी उन्होंने मेरी बात सुनना फिर शुरू किया, बोला सर थोड़ा ऐसा करता हूँ, सर थोड़ा वैसा करता हूँ. सो ऐसे करते करते बिल्डअप हुआ एंड सब आर वेरी वेल सेड, यू नो कि फाइन. आई वाज ऑफ कोर्स गिविंग सजेशंस एंड सजेशंस आर लाइक यू नो बोलना ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन हाँ वो उसको लिया तहे दिल से, डायरेक्टर ने उसको एक्सेप्ट किया. और जो इन्होंने अभी निशांत का चैप्टर बताया था, एक सीन था जिसमें मुझे निशांत को अपने डैड के सामने ले जाना था और ढकेलना था और ऐसे ही कुछ सीन था. तो मैं आई वांटेड टू प्ले दैट पार्ट यू नो विद अ हाई इंटेंसिटी, बिकॉज सीन ही ऐसा था कि दैट वाज यू नो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीन है उस एल्बम का. सो मैंने निशांत को बोला यू नो, पहले मैंने डायरेक्टर से परमिशन लिया, डायरेक्टर ने बोला हाँ वो कर सकते हो आप, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आई हैव टू डू दैट विद निशांत. एंड आई एम क्वाइट श्योर निशांत को जो मैं करने वाला था मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने निशांत से बात की
कि ब्रदर आर यू कंफर्टेबल इफ आई डू दिस नोइंग द फैक्ट दैट निशांत इज अ स्टार यू नो एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर लाइक मेरे रीजनिंग बहुत सही होने चाहिए मेरे रीजंस एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए मैं किसी स्टार को बोल रहा हूँ मेरे लिए आप ये करोगे कि नहीं इन ही टुक इट विद बोथ द हैंड्स द आर्म्स ओपन बोला मैंने दिया तो मैंने बोला मैं आपको ऐसे पकड़ूंगा इज इट ओके आर यू कंफर्टेबल बोला ऐसे में दबा के पकड़ कोई प्रॉब्लम नहीं बोला मैं ले जाऊंगा ब्रदर आई थ्रो यू डाउन मुझे लात भी मारनी है आपको आर यू ओके बिकॉज ऐसा तो खा नहीं कुछ लात मारने का बोला नहीं जस्ट गो फॉर इट So I was happy, you know, that this is the sign of a giving actor. He bola, main hero, I'm a star. How the hell will you kick me? Who the hell are you, man? Ye to tha hi nahi scene mein. Unke liye bada easy hota hai ye bolna. Aur mereko accept bhi karna padta. Aur main karta bhi unke hisab se. But then he was, you know, okay, do it. Tight pakadna, girana. Aur wo jo unko girane ka scene hai, laat marne ka scene hai, wo unfortunately do teen baar ho gaya. Because of, at time it was a technical reason. At time mere waise kuch retake hua rahega ya koi XYZ. To unko do teen baar laat pad gayi. Aur jo main laat maar raha tha unko, proper maar raha tha. So matlab meko fake nahi lagna chahiye tha ki laat kidhar aur ja raha hai, aadmi kidhar aur gir raha hai. So ek baar hua, do baar hua. And he took it so gracefully he took it. And unhone mujhe bachaya wo scene mein. उन्होंने वो सीन मेरे लिए किया बिकॉज दैट वॉज माई ओनली हाई पॉइंट इन द एंटायर एल्बम एंड यू नो सो ही डिड इट लकीली उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने जब सब वहां से चले गए थे शिफ्टिंग हो रही थी विनीत लेट्स डू दैट अगेन फॉर माई रील सो उनके रील के लिए मैंने फिर से उनको पकड़ा और लेके आपको ढकेला लात मारा और यू नो वो जो लात मारने का सीन है वो एल्बम में नहीं है लेकिन निशांत ने जो पोस्ट किया है रील में वो निशांत ने जो किया उसको बहुत व्यूज मिल रहे हैं और मेरे वजह से उनको काफी प्रॉब्लम भी हो रहा होगा क्योंकि मेरे को काफी ट्रोल किया जा रहा है उनके रील पर बिकॉज ऑफ लॉकअप ऑफ कोर्स इफ यू हैव लवर्स यू आल्सो हैव हेटर्स सो आई एम क्वाइट श्योर उनके लिए काम बन गया रहेगा कि जब विनीत के लिए कोई लॉकअप का उल्टा सीधा कमेंट आ रहा है तो उनको डिलीट करना पड़ रहा होगा बार बार सो लेकिन उन्होंने वो लात मारने वाले सीन को अपने रील में डाला और अभी लगी नहीं रहा जैसे कि वो एल्बम का पार्ट नहीं वो रील भी इतना ही पॉपुलर हो गया सो वो सडनली वो लात मारना प्रोमिनेंट हो गया इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू यू नो से दिस कि फॉर मी इट वॉज एन एक्सीलेंट जर्नी एंड मैं जरा भी डोंट वांट टू साइन डोंट वांट टू साउंड मॉडेस्ट आर यू नो वेरी हम्बल बट या इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क विद अ स्टार लाइक सबा एंड निशांत बोथ टुगेदर एंड आई वाज मोर देन ग्लैड यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जोगन एंड टू डू जस्टिस विद माय यू नो पार्ट कि यू नो कल को ये नहीं हो कि यू नो लीड पैर तो हमारे दिमाग में था बिकॉज डायरेक्टर टोल्ड मी कि जब मैं गाने के बारे में सुना मेरे दिमाग में थी सबा I don't know what सभा का narrative क्या है लेकिन मेरे को ये कहा गया था कि मेरे दिमाग में सभा थी जब मैं जोगन बना रहा so fine and so is निशांत they are quite big for me you know so I just wanted to you know put my best so that कल को ये नहीं बोले कि यार वो जो लड़का था उसके भी किसी और को ले लेना चाहिए था वो लड़के ने बराबर नहीं किया सो मेरे में वो एक डर था सो लकीली मैं बच गया सभा इज हैप्पी विथ माई वर्क डायरेक्टर इज हैप्पी विथ माई वर्क And are you happy with my work? of course. ये बोलने की ज़रूरत नहीं. Sabha was looking towards, was looking beautiful. मैंने पहले भी बोला. I would like to repeat. Sabha album में थोड़ी लग रही कि खाए पिए कर. Now you look at Sabha. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ you know कुछ अलग से regime follow किया. Thanks to Ramadan, you know, कि वो उन्होंने she's looking size zero ना. And I was like, oh man, कि but because of she's so beautiful, you know. As for Vineet, I'll tell you, he follows a special diet. Okay. So, मतलब वो special diet में सिर्फ दिन में वो एक बार खाते हैं. Wow. Seriously, can you believe that? It's like an upwards. Me being such a foodie, I can't imagine. And वहाँ पे कुछ भी खाते हैं, he's like waiting, and evening में he'll just eat for one. Oh, that is called OMAD, one meal a day. Wow. वो लकीली वो हैबिट आ गई बच गया तो काफी काफी पैसे बच जाते हैं बार बार खाते रहो तो उससे पैसे बच जाते हैं मैं सिर्फ पैसे बचाने जा रहा था अच्छा हैबिट फॉप हो गया सो यू नो हैविंग सेड ऑल दिस इट वाज एक्सीलेंट एंड सबा वाज लुकिंग लाइक अ जोगन दैट इज व्हाई पीपल आर कॉलिंग हर जोगन शी डिड द बेस्ट यू नो व्हाटएवर शी हैड द बेस्ट यू नो द बेस्ट फूड फर्स्ट यू नो एंड शी डिड दैट एंड आप देखो भी तो हमारे गाने की एंट्री इनसे ही होती है और शी हैज दैट ग्रेस एंड दैट स्माइल एंड यू नो शी इज लुकिंग लाइक जोगन सो इज निशांत यू नो कि यू नो जो उसका लव है वो नहीं चाहते हुए भी
प्यार, वो प्यार करता है लेकिन वो जाहिर नहीं कर पा रहे बिकॉज ही इज डोमेस्टिक हेल्प फॉर अस, सो वो नहीं कर पा रहा है और कैसे भी करके और अपना प्यार सेक्रीफाइस करके जा भी रहा है वहां से, यू नो कि बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑल, यू नो इतना मैं डेप्थ में नहीं गया लेकिन मेरी समझ से वो अपना प्यार सेक्रीफाइस करके जा रहा था बोथ फॉर हिज जोगन एंड फॉर द फैमिली फॉर हुम ही यूज्ड टू वर्क, एंड आखिर में प्यार की जीत होती है और आई एम सो हैप्पी कि प्यार की प्यार जीत हमेशा होती की है। प्यार की जीत होती है, सो जीत हुई एंड दैट कुड बी यू नो दैट कुड बी द रीजन जोगन इज सच अ हिट। अगर जब मेरे दोनों आर्म मैन गोली मारने के लिए बंदूक उठा लेते हैं, अगर मैंने गलती से बोल दिया था कि निशांत को गोली मारो, सो शायद वो जोगन जोगन नहीं बनता, लेकिन मैंने बोला चलो गलती से जोगन को हिट होने देता। बस थैंक यू सो मच आप दोनों का। जाने से पहले जितने लोगों ने गाना देखा नहीं है उनको बस गाने के बारे में इन्फॉर्म कर दो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन भारत बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सॉन्ग देखा नहीं है उनको बस बताना चाहूंगी कि जोगन है बहुत प्यारा सॉन्ग है और इसको बहुत प्यार से बनाया है। मैं हूँ इसमें, निशांत है एंड विनीत है, हम सब ने बहुत मेहनत की है। अमित ने इसको डायरेक्ट किया है, महेश जो है वो क्रिएटिव डायरेक्टर है, एंड सुरेश जी प्रोड्यूसर मनीष पूजार इज द क्रिएटिव प्रोड्यूसर, बट ऑफ कोर्स ही इज वाज आल्सो एज या एसोसिएट। क्रिएटिव प्रोड्यूसर ना, एक्चुअली दोनों ने मिलके स्टोरी लाइन को पूरा फॉर्म किया है। सो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, दिल से बना है, दिल से बनाया सॉन्ग और आपके दिल तक छू जाए, बस यही चाहते हैं हम। तो इसको बहुत सारा प्यार कीजिए एंड शेयर कीजिए सॉन्ग को, और इसमें खूब सारे रील्स बनाइए, इनसे भी मैं बनाने वाली हूँ। ये जस्ट लॉकअप से बाहर आया है तो मैं बनवाऊंगी बहुत I'll do सारे। it. या सो And इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। मेरा बोलना ना बोलना एक दूसरी बात है, लेकिन जब जोगन खुद बोल रहा है मैं सच अ ब्यूटीफुल जोगन, अगर मैं होता तो मैं बना देता, मैं बना भी दूंगा, यू नो सच अ ब्यूटीफुल जोगन इज आस्किंग यू गाइस टू मेक रील्स, टू प्लीज डू मेक रील्स, टैग हर। आई एम नॉट वेरी मच इनटू इन दिस रीयूज एंड ऑल, लेकिन आई नो शी इज, आई नो एवरीबॉडी इज, ऑल यू गाइस आर, सो व्हेन भी आपको उन्होंने वेलकम किया है अपने रील्स देखे हो सबको टैग करने के, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो और हर्ड द सॉन्ग गाइस लेट मी टेल यू गाइस आर मिसिंग समथिंग, यू नो सो 5 मिनट का, 5.5 मिनट का वीडियो है, जस्ट टाइप करिए जोगन ऑन योर यूट्यूब और यू नो एनीवेयर, गेट एन एक्सेस, यू लव इट, दैट्स आई कैन अश्योर यू विद दैट। से बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक थैंक यू सो मच। यू थैंक यू सो मच। सो वायरल। थैंक यू।